एक छोटा कंट। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया, आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त कैंटी एलिफेंट। आज मेरा दोस्त टिम सब्जियां लाने वाला है, वो भी किचन में काम करेगा मेरे साथ। देखो मोमो सब्जियां लेकर आ गया। अब हम कुछ खाने के लिए बनाने वाले हैं। आज बनेगा सब्जियों का सूप जो हम मिलकर खाएंगे। अरे इसने तो पूरा खत्म कर दिया। तो क्या हुआ, हमारे पास ब्रोकली है। अरे वाह, ब्रोकली तो बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। इसका सूप बनाकर पीने से हमें बहुत ताकत आती है। इसमें विटामिन्स होते हैं जैसे ए सी ई। अरे मोमो सूप को आराम से पियो। लगता है मोमो को बहुत ज्यादा ही भूख लग रही है। अरे मेरा भी सूप खत्म हो गया, भाग जाओ यहाँ से। चलो अच्छा है, अब मैं आराम से अपना कैरेट यानी गाजर का केक बनाऊंगा। पता है ये बहुत अच्छा होता है आँखों के लिए, हमें गाजर खाना चाहिए। बन गया मेरा केक, इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देता हूँ। अरे वाह केक, ये भी खा जाऊंगा। चलो अब साथ में कुछ स्पिनच यानी पालक का सैलेड भी बना लेता हूँ। पालक में बहुत सारा आयरन होता है, इसका सूप भी बना सकते हैं दोस्तों। मेरा सैलेड तो बन गया, इसे केक के पास रख देता हूँ और अब टिम को खाने के लिए बुला। अरे ये क्या आवाज थी? अरे मेरा केक और सैलेड दोनों गायब हो गए। ये कैसे हो गया? हाय कैंट, मैं मटर लेकर आया हूँ, खाकर देखो कितनी मीठी है। हाँ सच में, चलो इसका कुछ बनाते हैं। इन्हें नरम बनाने के लिए पानी में थोड़ा सा नमक डालकर उबाल लेते हैं। ये डाला नमक और घुमा दिया। हाँ, मैं एवोकाडो भी लेकर आया हूँ। अरे वाह, तुम कितना कुछ लेकर आए हो। एवोकाडोस खाने से हम बहुत फुर्तीले हो जाते हैं। इन्हें टमाटरों के साथ मिलाकर बढ़िया सा सूप भी बना सकते हैं और सैलेड में काट कर भी खा सकते हैं। एवोकाडो मेरी मम्मा को बहुत पसंद है। चलो मटर के साथ इन्हें खाएं। अरे सारा खाना कहाँ गायब हो गया? ये क्या हो रहा है, सारी सब्जियाँ नीचे क्यों पड़ी हुई है? चलो देखते हैं। आज तो बहुत खा लिया, पेट फट रहा है। तुम सब कुछ खा गए, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम, रुक जाओ। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका प्यारा सा छोटा सा एलिफेंट। आज बहुत गर्मी है। अच्छा ये ठंडा जूस है। अरे ये भी खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे टिम, इतनी गर्मी है ना। अरे वो देखो मोमो के पास आइसक्रीम है, चलो चलकर उसे मांगते हैं। हमें आइसक्रीम दे दो, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना मोमो, प्लीज हमें भी आइसक्रीम दो ना, बहुत गर्मी है मोमो। मेरा नाम है कैंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट, मोमो है मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो है बहुत इंटेलिजेंट और आइसक्रीम देगा इन दी एंड। अरे ये क्या हो गया, आइसक्रीम तो गिर गई, अब हम क्या करेंगे? मोमो तुम्हें चोट लग गई क्या? नहीं लगी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, लोग रुको, हमें भी आइसक्रीम खानी है। मेरा नाम है कैन, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट, लुक है हमारा बेस्ट फ्रेंड, वो है बहुत इंटेलिजेंट और आइसक्रीम देगा इन दी एंड। नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। अब कहाँ भाग के जाओगे लोग, अब तो आइसक्रीम देनी ही पड़ेगी। नाराज मत हो, हम सब मिलकर खाएंगे। मैं किसी से बात नहीं करूँगा। मैं तुम सबके लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम लाया हूँ, चलो सब मिलकर खाते हैं। मिलकर खाने में ही तो असली मजा है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गया, आपका प्यारा सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। लेकिन आज मैं आपको नजर नहीं आऊंगा, क्योंकि आज मैं अपने दोस्त टिम की कहानी सुनाने वाला हूँ, जो अलग अलग कलर्स दिखाएगा। और कलर्स के बारे में जानने के लिए वो अपने हवाई जहाज में निकल पड़ा और ये चला जहाज कर 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 कर। वहाँ उसने इंद्रधनुष भी देखा। पता है दोस्तों इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। फिर उसने पीले डैफोडिल्स का बड़ा बाग देखा। उसके बाद दूर दूर तक फैला हुआ नीला समंदर जिसमें अलग अलग रंग की मछलियाँ भी थी। दुनिया कितनी रंगीन है ना दोस्तों। मुझे अभी अभी याद आया कि मेरे दादाजी का संतरों का एक बड़ा सा बाग था, और संतरे होते हैं नारंगी रंग के, और उसके पेड़ की पत्तियाँ हरी थी और तितलियाँ भी थी नीले रंग की। मोमू के घर में ऑर्किड के फूल लगे हैं जो बैंगनी रंग के होते हैं, और उसके यहाँ स्ट्रॉबेरीज भी हैं जो कि लाल रंग की होती हैं। जब हम उसके घर जाते हैं तो ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज खाते हैं।
अब चलते हैं टिम के पास। टिम ने उड़ते वक्त सफेद डव पक्षियों को भी देखा। कितने सुंदर है ना? पता है सफेद रंग और डव पक्षी दोनों ही शांति का प्रतीक होते हैं। रात के वक्त अंधेरा होता है और वो काले रंग का होता है। टिम थक गया तो वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया, जिसका कलर था भूरा। गुड नाइट टिम, बाय। दूसरे दिन वो फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा। उसने अपने हवाई जहाज में पूरी दुनिया का सफर कर लिया। गोल 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 बस घूमता ही रहा। अरे गोल गोल इसलिए क्योंकि दुनिया गोल होती है ना। चलो अब रिवीजन करते हैं। ये है येलो यानी पीला, ब्लू यानी नीला, ऑरेंज यानी नारंगी, ग्रीन यानी हरा, पर्पल यानी बैंगनी, और ये है रेड यानी लाल, और टिम का फेवरेट पिंक यानी गुलाबी। अगला वाला है व्हाइट यानी सफेद, और ये देखो काले रंग का चमगादड़, और इस उल्लू का कलर है ब्राउन यानी भूरा। देखो कितने सारे रंग है। बाय बाय दोस्तों, रंगों को भूलना नहीं, और मुझे बताना तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। अगली बार मिलूंगा। हेलो दोस्तों, मैं वापस आ गया, आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त कैंटी एलिफेंट। केन, तुम तो मेरे बारे में बताना भूल गए। मैं हूँ लूक, तो चलो वेकर्स के नाम सीखें। हाँ चलो। मेरा नाम है केन, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट, मेरे साथ है लूक मेरा फ्रेंड, कुछ नया सीखेंगे हम तारों के संग। वाओ, तारे ने तो कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। वो लेकिन ये है क्या? मुझे तो लग रहा है ये बोट यानी नाव है। हाँ, तुमने सही पहचाना केन, हम दोनों ने पहचान लिया। नाव पानी में तैरती है। वाह क्या बात है। मेरा नाम है केन, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। हाँ? पहले आई थी नाव मेरे फ्रेंड, अब देखते हैं क्या होगा इन द एंड। देखो केन, डिजाइन बन गया। वाओ, ये तो बहुत सुंदर है। ये एयरप्लेन यानी हवाई जहाज है। हाँ, और जहाज में बैठकर हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। मजा आ रहा है क्योंकि हम सब इसे पहचान रहे हैं। हे! मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट, पहले आया था जहाज मेरे फ्रेंड, अब देखते हैं क्या होगा इन द एंड। देखो देखो एक और डिजाइन बना। हाँ देखो देखो एक और डिजाइन बन गया। अरे ये तो बस है। हाँ सही कहा लूक, हम इसी में बैठकर स्कूल जाते हैं, बस में हम बहुत मस्ती करते हैं। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट, पहले आई थी बस मेरे फ्रेंड, अब देखते हैं क्या होगा इन द एंड। देखो ये कितना प्यारा ड्रॉ किया है ना। क्या ये साइकिल है? हाँ हाँ वही है, मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद है, इससे हम बहुत स्वस्थ रहते हैं। यस, हमने कर दिखाया। हमने आज बहुत सारी व्हीकल्स के नाम सीखे। बाय बाय। बहुत मजा आया, हम फिर मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ केंट, और आज मैं ढूंढने वाला हूँ गोल्डन बनाना यानी सुनहरा केला, जिसके लिए पार करना होगा पेड़, उसके बाद एक दीवार जिसमें आकार है, और सबसे आखिर में जादुई पत्थर। मेरा नाम है केंट, मुझे मिलेगा बनाना इन द एंड। मैं पेड़ के पास पहुँच गया, यहाँ मुझे तीन फ्रूट्स यानी फल इकट्ठे करने हैं। चलो मेरे साथ आओ। ये हो गया एक, दो और तीन एप्पल्स। ये मैंने कर दिखाया, दरवाजा भी खुल गया। अब अगला पड़ाव है उस दीवार तक पहुंचना जहां आकार बने हैं। मैं तो चला बस पहुंचने ही वाला हूँ। अच्छा तो यहाँ मुझे आकर आकार ढूंढना है, और उसके बाद दीवार में उन्हें फिट करना है। पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं, कोशिश करके देखता हूँ। ये है ट्रायंगल यानी त्रिकोण।
गलत है। स्क्वायर यानी चौकोर। नहीं, ये भी गलत है। अब सर्कल यानी गोला लगा कर दिखता हूँ। मैंने कर दिखाया। ये दरवाजा खुल गया। अब अगला पड़ाव है जादुई पत्थर। चलो चलो चलो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पता नहीं वहाँ क्या होगा। अरे ये क्या? अच्छा, पत्थर पर जो सेब बना है उसमें रंग भरना है। ओहो, तो कौन सा रंग भरना चाहिए? ब्लू यानी नीला? नहीं नहीं, रेड यानी लाल। हाँ, यही कलर है। हम सबको रोज एक एप्पल यानी सेब खाना ही चाहिए। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना ये। वाह, ये वाला पड़ाव भी पूरा हो गया। दरवाजा खुल गया। अब बस मुझे उस केले तक पहुंचना होगा। सुनहरा केला, मैं आ रहा हूँ। मैं सारे पड़ाव अच्छी तरह से पार कर चुका हूँ। मजा आ रहा है। अरे वाह, वो देखो केला। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। मिल गया। अगली बार फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। और जानते हैं आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ? कोई गैस कर सकता है? चलो देखते हैं। पहले मैं इस ब्लैक बोर्ड पर कुछ ड्रॉ करूँगा और गैस करना मैंने क्या बनाया है। ओह, कौन सा शेप है ये? कोई गैस कर सकता है? मैं बताता हूँ, ये है रेक्टेंगल यानी आयताकार। अब मैं इसमें एक दूसरे कलर की चॉक से कलर भर देता हूँ। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना? वाओ! अब बताओ ये कौन सा कलर है? पिंक यानी गुलाबी। और गुलाबी रंग की लॉलीपॉप्स होती हैं। सही कहा ना? चलो दोस्तों, अब दूसरे आकार की बारी है। बताओ ये कौन सा आकार है? आकार को शेप भी कहते हैं। तो ये कौन सा शेप है? ये है सर्कल यानी बल। अब मैं इसमें भरने जा रहा हूँ रंग, जिससे ये और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। और आपको गेस करना है कि मैंने इसमें कौन सा रंग भरा है। कौन सा कलर है ये? हाँ, येलो यानी पीला, जिस रंग का सूरज यानी सन होता है। ये चलो फिर से गेस करो कि मैं क्या बना रहा हूँ। बताओ बताओ, कौन सा शेप है ये? कोई गेस कर सकता है? ये है स्क्वायर यानी चौकोर। अब मैं इसके अंदर एक प्यारा सा रंग भरने वाला हूँ। अब तुम सबको इस रंग को पहचानना होगा। तो कौन सा कलर है ये? बताओ। ये है ग्रीन यानी हरा, जिस कलर की ब्रोकली होती है। अब मेरे पास तीन आकार हो गए। अब मैं इन तीन आकारों से एक बस बनाऊंगा। ये आया आयत, उसके बाद गोले से टायर्स और चौकोर की खिड़कियाँ। अब थोड़ी सी फिनिशिंग दे देता हूँ और तैयार है मेरी बस, जो कि जाने के लिए एकदम तैयार है। अब मैं जा रहा हूँ और अगली बार फिर मिलूंगा। बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं आ गया। आज मैं किसी से दोस्ती कराने आया हूँ। उसका नाम है एली पंजल। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। तुम्हें करूँगा एंटरटेन, प्लीज बन जाओ ना मेरी फ्रेंड। वहू, लेकिन मैं ऊपर कैसे आऊँ? मुझे ऊपर आना है, ऊपर आना है। अब कैसे मिलूंगा तुमसे? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं ये एप्पल यानी सेब खा लेती हूँ, इससे मेरी चोटी लंबी हो जाएगी। वाह, देखा? मैं इस लाल रंग की चोटी को पकड़कर ऊपर आ जाऊंगा। यस! अरे नहीं, नहीं आ पा रहा हूँ। अब क्या करें? हाँ? अरे वो देखो। हाँ?
मुझे तो टिम ने काम दिया है, इसे खा लेती हूँ। देखा, चोटी और बड़ी हो गई। ये मैं पीली रंग की चोटी को पकड़कर ऊपर आ जाता हूँ। अरे नहीं आ पा रहा, अब क्या करेंगे पता नहीं। रुको, मेरे पास आइडिया है। ये लो नाशपाती। ठीक है, जल्दी से इसे खा लो। देखो मेरी चोटी और लंबी हो गई। अब मैं जल्दी से हरे रंग की चोटी को पकड़कर ऊपर आ जाऊंगा। अरे नहीं, इससे भी काम नहीं बना। मुझे नहीं लगता केंट तुम ऊपर आ पाओगे। अरे ये धम 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 की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ओह, ये तो डायनो अंकल है। ये भी मेरे लिए फल लाए हैं। ओह, ब्लूबेरीज। वाह, अब मैं नीले रंग की चोटी को पकड़कर ऊपर चढ़ ही जाऊंगा। हाँ। ये लो, मैं आ गया। यप्पी। मैं आ रहा हूँ, चढ़ के आ रहा हूँ। मैं आ गया। बाय बाय दोस्तों। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। आज का टास्क है मेरी पसंद फलों और सब्जियों के नाम सीखेंगे। हाँ, पर ये सारे तो एक साथ है, किंतु तो कंफ्यूज हो जाएगा। चलो इन्हें अलग करें। अब काम आएगी मेरी जादू की छड़ी। गिली गिली विश। दोस्तों पता है ये क्या है? सोचो सोचो। हाँ, ये है स्ट्रॉबेरी। इसे मम्मा बहुत मीठा मीठा स्ट्रॉबेरी शेक भी बनाती है और मुझे ये बहुत पसंद है। गिली गिली विश। अब बताओ ये क्या है? जल्दी जल्दी बताओ। ये है एक एग प्लांट, यानी बैंगन। इसे ब्रिंजल भी कहते हैं। ये जाएगा सब्जी की टोकरी में। गिली गिली विश। ये क्या है? किसको पता है बताओ? चलो जल्दी जल्दी। हाँ, इसे फलों का राजा कहते हैं। ये है मैंगो, यानी आम। ये एक फल है और मेरा फेवरेट है। गिली गिली विश। अब बताओ ये क्या है? अरे जल्दी बताओ ना दोस्तों। ये है ब्रोकली, यानी सब्जी। ये सब्जी बहुत हेल्दी होती है। गिली गिली विश। अब देखते हैं ये क्या है। सोचो सोचो। हाँ, ये एक पेड़ है, यानी नाशपाती। और ये फल डैडू को बहुत पसंद है। गिली गिली विश। ये फूल जैसा दिखने वाला क्या है? बताओ बताओ बताओ। हाँ, ये है कैबेज, यानी पत्ता गोभी। और ये सब्जी की टोकरी में जाएगा। गिली 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 विश। चलो जल्दी बताओ ये क्या है? बताओ बताओ बताओ। हाँ, ये है बीटरूट, यानी चुकंदर। ये एक सब्जी है, मम्मा मुझे उसका सैलेड बना कर देती है। अब देखते हैं अगला क्या है। गिली गिली विश। बताओ ये क्या है? ये है, बताओ बताओ, एप्पल, यानी सेब। ये फल है। टीचर कहती है कि रोज एक सेब खाने से हमें कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा। गिली गिली विश। ये क्या है बताओ? चलो चलो सोचो सोचो। हाँ, ये है पम्पकिन, यानी कद्दू। और ये एक सब्जी है, इसे हैलोवीन में लैंटर्न्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बस यही बची है। क्या है ये बताओ? चलो ये तो बता दो। हाँ, ऑरेंज, यानी नारंगी। और ये एक फल है, इसमें बहुत सा विटामिन सी होता है। वाह, क्या बात है, हमने सीख लिया। आज हमने फलों और सब्जियों के नाम सीखे। बाय। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। तुम्हें खिलाऊंगा क्विज टिल द एंड, और कोई एक होगा विनर मेरा फ्रेंड। हाय केंट। चलो अब जल्दी से बताओ ये कौन सा फल है। चलो तुम्हें एक हिंट देता हूँ। इसमें छह अक्षर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। पहला अक्षर है ओ और आखिरी अक्षर है ई। बताओ क्या होगा? मैं जानता हूँ, मुझे पता है, ये है ऑरेंज, यानी नारंगी। इसकी स्पेलिंग है ओ आर
A-N-G-E ये हो गया ऑरेंज यानी नारंगी। ये मैंने सही बताया। दोस्तों अब तुम इस शेप को गैस कर सकते हो। चलो एक हिंट देता हूँ। इसके चारों किनारे एक समान होते हैं और इसमें 6 अक्षर आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो शुरू होता है एस से और खत्म होता है ई से। गेस करो। चलो चलो बोलो। क्या होगा? मुझे पता है, यह स्क्वायर यानी चौकोर। बढ़िया। अरे इसकी स्पेलिंग है एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर यानी चौकोर। ये बढ़िया गेम। अब बता सकते हो ये रंग कौन सा है? हिंट देता हूँ, ये 3 अक्षर से मिलकर बना है। बीच का अक्षर होता है ई। बताओ गेस करो, जल्दी बताओ। मुझे पता है, ये है रेड यानी लाल। बहुत बढ़िया। इसकी स्पेलिंग है आर ई डी रेड यानी लाल। ये मैं टीम से आगे हूँ। अब चलो इस सब्जी को पहचान कर बताओ। हिंट देता हूँ, इसमें आते हैं 8 अक्षर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और बीच में आते हैं ओ सी और आई। चलो चलो गैस करके बताओ। चलो। हाँ याद आया, ये है ब्रोकली। ये इसकी स्पेलिंग है बी आर ओ सी सी ओ एल आई ब्रोकली। देखा, मैंने बता दिया। तो क्या इसे गैस कर सकते हो? ये एक व्हीकल है यानी गाड़ी। इसमें 9 अक्षर होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसके बीच में है H, L और S। तुम इसमें रोज सुबह बैठते हो, जल्दी बताओ। मैं बता सकता हूँ, ये क्या है? ये है स्कूल बस। इसकी स्पेलिंग है S, C, H, O, O, L, B, U, S, स्कूल बस। ये है, मैं जीत गया। मैं जा रहा हूँ, बाय। हेलो दोस्तों, मुझे मिस कर रहे थे ना? देखो मैं फिर से आ गया। आज मॉर्निंग में मम्मा ने मेरे लिए स्ट्रॉबेरी शेक बनाया था, तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना आज भी मैं आपको रंगों के बारे में सिखाऊं। बॉल्स अच्छे से शेक हो गई हैं। अब इन्हें खोलूंगा। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। सबको करूँगा एंटरटेन, आज बनाऊंगा शेक करके रंग। अब मैं इन्हें इस जार में डाल दूंगा और ये कहीं अंदर और बंद कर दिया। ये आई यहाँ, इन्हें मिक्स कर देता हूँ। हो गया। अरे ये क्या बन गया? ये तो बड़ी सी गेंद है, ये हिल क्यों रही है? अरे अरे हिलना मत करो। रेड और इसका आकार है सर्कल यानी गोल। अब देखता हूँ अगला वाला कौन सा है। अरे अरे इतनी सारी छोटी बॉल्स, पता नहीं इनसे क्या बनेगा। चलो देखता हूँ। अरे हिलना तो बंद करो। हाँ हो गया। अब इन्हें खोल दिया। अब इन्हें स्कूप करके ले लो। पता नहीं ये कौन से वाले में जाएंगी। ये वाला खुल गया और ये गई छोटी छोटी गेंद इसके अंदर। और ये आई मिक्सर के ऊपर। अब पता है क्या होगा? गोल 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 मिक्स हो गई होगी और ये बड़ी सी गेंद बनी और फिर से शेक हो रही है। अरे 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 रुको रुको। येलो यानी पीला और ये एक येलो स्टार है यानी सितारा। टिम 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 बंद हो गया। अब देखते हैं। अरे अरे वापस से बॉल्स आ गई। बस करो भाई, अब अरे बस करो। हाँ हो गई। अब ये खुल गई। पता नहीं ये कौन से वाले में जाएंगी। आप गेस कर सकते हो दोस्तों?
शायद मुझे पता है। हाँ, यही वाला खुल गया और ये बॉल्स गई इसके अंदर, बंद कर दिया। और ये गई कहाँ, अभी कहाँ गई है, मिक्सी के अंदर, गोल 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 गोल। और ये बड़ी सी गेंद बाहर आई और ये शेक हो रही है, शेक 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 शेक, पुश। ये है ग्रीन कलर यानी हरा और इसमें से बत्तख बाहर आई यानी डार्क। वापस इतनी सारी बॉल्स, ये कौन सा कलर है? वाओ, बहुत अच्छा कलर लग रहा है ना, आप गैस कर सकते हो कौन सा है? चलो तब तक गैस कर लो। खुल गया, अब देखते हैं ये वाला कौन से वाले में जाएगा। वैसे अभी तो आखिरी एक ही बचा है, उसी वाले में जाना चाहिए ना। हाँ, खुल गया और ये गई बॉल उसके अंदर, बंद हो गई मिक्सी के अंदर, मिक्स 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 मिक्स। बड़ी सी गेंद वापस आ गई है और ये शेक होने वाली है, गोल 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 गोल। ये है ब्लू कलर यानी नीला और इसके अंदर से आया बेर यानी भालू। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं वापस आ गया। आज हम रंगों के नाम सीखेंगे और वुश 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 वुश, ये है रेड यानी लाल और ये गेंद गई ट्रक में। अब दूसरा रंग देखते हैं, चलो चलो, वुश 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 वुश, ये है ऑरेंज यानी नारंगी, भर गई सारी की सारी। अब देखते हैं अगला कलर कौन सा है, चलो 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 गेस करो। येलो यानी पीला, मेरा फेवरेट, आपको याद है ना। चलो नेक्स्ट पे, अब कौन सा कलर आएगा? ब्लू यानी नीला और सारी बॉल्स फिट हो गई। अब बचा है आखिरी रंग, देखते हैं ये वाला कौन सा होगा। ग्रीन यानी हरा, डुंग 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 डुंग। चलो देखते हैं, सारे कलर्स हो गए। अरे, आप सोच रहे होंगे ये ट्रक कहाँ जा रहा है, और ये भी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ। तो ये सारी गेंदे आ रही है केंट के पास। ये मजा आ गया, मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट, लाल गेंदे हैं मेरी पसंद, इनसे खेलने का है मेरा मन। अब देखता हूँ कौन सा ट्रक आएगा। तो मेरे पास आ रही है ऑरेंज यानी नारंगी गेंदे और ये आ गई। मेरा नाम है केंट, वो मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट, लाल और नारंगी गेंदे हैं मेरी पसंद, इनसे खेलने का है मेरा मन। मजा आ गया, अब देखता हूँ कौन सा ट्रक आएगा। वाह, ये तो मेरा फेवरेट रंग है, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, केंट इंतजार कर रहा है। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट, लाल नारंगी पीली गेंदे हैं मेरी पसंद, इनसे खेलने का है मेरा मन, है ना? अब कौन सा ट्रक आएगा, आ जाओ आ जाओ। ब्लू 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 यानी नीला, आ जाओ जल्दी आ जाओ। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट, लाल नारंगी पीली नीली गेंदे हैं मेरी पसंद, इनसे खेलने का है मेरा मन। अब कौन सा ट्रक बचा है? लास्ट ट्रक बचा है, देखता हूँ कौन सा कलर होगा। ओह, ये तो ग्रीन है यानी हरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट, लाल नारंगी पीली नीली हरी गेंदे हैं मेरी पसंद, इनसे खेलने का है मेरा मन। पानी के बिना बाथटब में ऐसी गेंदों से खेल सकते हैं, बाय। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट, आज बड़ा मजा आएगा देखना मेरे फ्रेंड्स। अरे, ये घर इतना फीका और बेरंग क्यों लग रहा है? चलो इसमें रंग भरते हैं और इसमें डिजाइंस भी बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले आ रहा है सर्कल यानी गोला, देखें ये कहाँ फिट होता है। आ गया, अब देखते हैं ये कहाँ आएगा। रेक्टेंगल यानी
अंगूर। ये यहाँ फिट हो गया। अब कौन सा आकार रहेगा? स्क्वायर यानी चौकोर। इसे यहाँ सेट कर देता हूँ। अब ट्रायंगल यानी त्रिकोण, और ये जाएगा घर के सबसे ऊपर। इसके बाद आएगा स्टार यानी सितारा। ये घर के ऊपर लगाऊंगा, बड़ा प्यारा लगेगा। और ये पूरा हो गया। ये, ये। ये वाला है ऑरेंज यानी नारंगी। त्रिकोण था रेड यानी लाल रंग का। चौकोर था येलो यानी पीले रंग का। और गोला था ब्लू यानी नीले रंग का। और पता है सितारा था पिंक यानी गुलाबी रंग का। वाह! ये टास्क तो मैंने पूरा कर लिया। बहुत मजा आया दोस्तों, है ना? आपका फेवरेट छोटा केंट।